फ्रेंड्स वेल्कम बैक, माई सेल्फ एस के डिग्रोवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे जो बोटनी का असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्ज़ाम हुआ था और बोटनी सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। उसके तीन पार्ट अपन ने सॉल्व कर भी लिए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी अपना फोर्थ पार्ट है, जिसको स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम चैनल पर है, वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के जो वीडियो हैं या इस प्रकार के अपडेट है वो अवेलेबल हो सके। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम सॉल्व करा रहा हूँ। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी मेरे लास्ट जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में किसी प्रकार के आपको डाउट या सजेशन होते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं 76 से। द प्लांट फिक्सेटिव FAA इज प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग। तो जो FA फिक्सेटिव जो है वो प्रिपेयर किया जाता है फॉर्माइल एल्कोहल, एस्टेल्डिहाइड और एसीटोन। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 77। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोफोर या क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज हेल्ड इन ए नैरो ट्यूब एंड मोबाइल फेज इज फोर्स्ड थ्रू इट अंडर प्रेशर। तो ये जो अपन कहें जो मोबाइल स्टेशनरी फेज है वो स्टेबल है, और मोबाइल फेज है वो फोर्स के साथ में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर या नैरो ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रोमेटोग्राफी वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो एग्जाम्पल वो आ जाएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट। स्टेशनरी फेज इज हेल्ड इन ए नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेज इज फोर्स थ्रू द अंडर प्रेशर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इन इंटरफेरेंस टू सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट इज मेंट बाय 500 G। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 500 टाइम द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कोयर इज या कोयर जो है इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये अपन जानते भी हैं जो नारियल है उसकी जिसको अपन जेट बोलते हैं, तो वो आ जाएगा फ्रूट है। कोयर क्या ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट, फ्रूट का अपन कहें मीजो कार्प जो पार्ट है उससे ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेंज इज एसोसिएटेड विद द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी जो रेंज है पर्टिकुलर अल्ट्रावायलेट की अपन रेंज देखें तो ये 100 से, इसमें ऑप्शन 200 है नहीं, इसमें 100 से अपन 3800 तक अपन अल्ट्रावायलेट देखते हैं या 400 तक अल्ट्रावायलेट देखते हैं, और 400 से आगे अपन 700 या 800 तक अपन देखते हैं विजिबल रेंज। तो इसमें जो ऑप्शन बैठेगा अपना वो राइट आंसर बैठेगा 100 to 800 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 81। ये है बर्गीज मैनुअल इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो ये यूज में लिया जाता है फंजाई के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें म्यूरामिक एसिड इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ आर्किया। आर्किया के अंदर जो म्यूरामिक एसिड है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 83। सेलेक्ट द बैक्टीरिया दैट लैक ए डिफाइंड सेल वॉल। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, यूज द कोड बिलो। तो इसमें से कौन सी के अंदर बैक्टीरियल सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इनमें से अपन देखें माइकोप्लाज्मा है और एल फॉर्म बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो बैठेगा बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज इन द एम्स टेस्ट फॉर म्यूटाजेनेस्टी। तो म्यूटाजेनेस्टी के लिए जो टेस्ट एम टेस्ट किया जाता है एम्स टेस्ट, तो उसके लिए अपन बैक्टीरिया यूज में लेता है साल्मोनेला टाइफोमोरियम। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वह जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 85। इन ए प्लांट बॉडी फाइटोप्लाज्मा आर प्रेजेंट इन। तो प्लांट बॉडी के जो फाइटोप्लाज्मा जो इन्फेक्शन करता है वो मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होता है या ग्रोथ करता है, तो वो मोस्टली फ्लोएम के अंदर ग्रोथ करता है, जिसके कारण से
जो सुक्रोज है उनको डिग्रेड कर देता है, वेस्टेज बना देता है, या फिर इनका जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उनको क्या करता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से जो डेवलपिंग ब्रांचेज है या डेवलपिंग जो लीव्स हैं उनको प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से इन्फेक्टेड प्लांट की जो लीव्स हैं, यंग लीव्स है, वो साइज़ में स्मॉल रह जाती है। तो ये इसका स्पेसिफिक करेक्टर है फाइटोप्लाज्मा का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ए बैक्टीरियल सेल द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इच। तो पेनिसिलिन जो इफेक्ट करती है वो कौन से पे करती है, सेल वॉल पे करती है। सेल वॉल के अंदर जो ट्रांसपेप्टाइड जो लिंकेज पाया जाता है ग्लाइसिन का, उनके जो सिंथेसिस है उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है पेनिसिलिन। तो ये सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेरा ऑफ मोलिक्यूल्स। तो मोलिक्यूल्स का जेनेरा जो है वो कौन सा है, स्पायरो प्लाज्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा स्पायरो प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ एमिनोफाइंग बैक्टीरिया। तो एमिनोफाइंग जो बैक्टीरिया है, मतलब कोई भी जो डेड ऑर्गेनिज्म है या डेड मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है, उनमें प्रेजेंट प्रोटीन्स को वो कन्वर्ट करता है अमोनिया के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्लॉस्ट्रेडियम। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो वायरियन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फेज ऑफ वायरस लाइफ साइकिल। आगे दे रखा है, वायरोइड इज एन सिंगल स्टैंडर्ड इन्फेक्टेड डीएनए मॉलिक्यूल, जो रोंग है, आरएनए मॉलिक्यूल होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। प्रियोन आर द आरएनए, जबकि प्रियोन एक मिसफोल्डेड इन्फेक्टेड प्रोटीन होती है। एल फॉर्म इज टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज, जबकि एल फॉर्म इज ए टाइप ऑफ सेल वॉल लैक बैक्टीरिया। तो ये इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 90, द क्राउन गोल डिजीज ऑफ डाइकोट प्लांट इज कॉज्ड बाय। तो क्राउन गोल डिजीज किसके द्वारा कॉज की जाती है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जो एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के रूप में यूज में लिया जाता है जीन ट्रांसफर के लिए, जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे अपन क्वेश्चन देखें 91, सिक्वेंस द यूज ऑफ वेरियस केमिकल स्टेन्स ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इनमें से जो कोड हैं उनको आप अरेंज करना है, जो अपन ग्राम स्टेनिंग जो करते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली जो सिक्वेंस है वो तो आ जाएगी, स्टेप आ जाएगी प्राइमरी स्टेन जो अपन करते हैं क्रिस्टल वोलेट से। सेकेंड स्टेप आ जाएगी अपनी मॉडरेट, और थर्ड स्टेप जो आ जाएगी वो आ जाएगी डिसकलरेशन। तो पहली आ जाएगी प्राइमरी स्टेन, तो क्रिस्टल वॉयलेट, मॉडरेट आ जाएगी अपना आयोडीन, और थर्ड आ जाएगी डिसकलरेशन एल्कोहल ट्रीटमेंट, और सी आ जाएगी, लास्ट आ जाएगी सी काउंटर स्टेन, जो अपन सेफ्रन से स्टेन करते हैं। इस प्रकार की इनकी जो सिक्वेंस है ग्राम स्टेनिंग की वो आ जाएगी BADC फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 92, द फ्लोटिंग फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटीज इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट आर टर्म्ड एज। तो जो फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, प्लांकटॉन्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 93, ओज टेस्ट इज ए रैपिड फील्ड टेस्ट द डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पैथोजन इन द फील्ड। तो बैक्टीरिया जो हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज में रहता है ओज टेस्ट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बैक्टीरिया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 94, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रेफरेंस टू फाइटोएलेक्सिन। तो फाइटोएलेक्सिन के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। तो दे आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द प्लांट टिश्यू, ये राइट आंसर है इसका। दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू प्लांट होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन, ये भी ठीक है। दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनिबिटर, तो ये मे भी इसमें थोड़ा सा डाउट हो, ए बी आंसर हो सकता है या ए बी सी हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें ए बी और सी इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 95, अरेंज करना है इनको, एक साइड में अपनी डिजीज दी गई है और एक साइड में इनके पैथोजेंस दिए गए हैं। तो जो डिजीज है वो देखिए अपन, स्टेम रस्ट ऑफ वीट, तो ये आ जाएगा पक्सिनिया ग्रेमिनिस, लूज स्मट ऑफ जवार,
तो अपन पहले देखिए लूज स्मार्ट ऑफ वीट, फर्स्ट का आ जाएगा फर्स्ट, अस्टिलेगो ट्रेटिसाई। बी में देखिए लूज स्मार्ट ऑफ सोरगम, तो इसमें आ जाएगा लूज स्मार्ट ऑफ सोरगम का स्पेशलो थीशिया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। और स्मट बाजरा, स्मट ऑफ बाजरा, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा टोलिपो स्पोरियम, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। और ये डी बराबर आ जाएगा पक्षीनिया ग्रेमिनिस, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए में फर्स्ट, बी में थर्ड, सी में फोर्थ और डी में सेकेंड, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेरेनोस्पोरमेल्स या पेरेनो स्पोरेल्स ऑफ द क्लास ओमाइस्टीज, ओमाइस्टीज का मेंबर कौन सा नहीं है, तो अपन बात करें इसमें, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू जो एस्कोमाइकोटीना के मेंबर के द्वारा कोज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 97 रूट हेयर आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू इन्वेजन बाई पैथोजन, तो पैथोजन का इंट्रैक्शन हो सकता है उसके साथ इन्वेजन। रूट हेयर लैक लिग्निफाइड सेल वॉल, तो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 98 द कोनिडियल स्टेज ऑफ द पैथोजन फॉर रेड रोट ऑफ सुगरकैन, तो रेड रोट ऑफ सुगरकैन का जो आ जाएगा वो आ जाएगा कोलिटोट्राइकम फ्लेक्टम, कोलिटोट्राइकम फ्लेक्टम, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्डेक्स मिक्सचर, बोर्डेक्स मिक्सचर क्या है, इज ए फंजीसाइड, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन देखें इस वीडियो का, सेलेक्ट द डिजीज सिम्टम्स ऑफ बाजरा प्लांट इन्फेक्टेड विद द स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, यूज द कोड बिलो गिवन, तो जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है तो वो डिजीज कौन सी कोज करता है, तो डाउनी मिल्ड्यू। और इसके जो करेक्टर सिम्टम्स है, कन्वर्जन ऑफ वेरियस फ्लोर पार्ट इनटू लीफी स्ट्रक्चर, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो आएगा वो बी एंड सी बैठेगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड। तो इस प्रकार से ये अपना जो वीडियो है 25 क्वेश्चंस का वो कंप्लीट होता है। अगले 25 क्वेश्चंस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार के डाउट आपको अगर आते हैं या किसी प्रकार के सजेशन आपको लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए जो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, और किस प्रकार का आपका रेस्पॉन्स है, कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं रॉन्ग हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।